Smarami Pratastam Pranatajam Pajushta Charanam Akhandanandam Shri Guru Varamahindram Pavitrayatvani Pravishati Chitradhityata Tadakara Chinna Bharati Mukhi Dakara Smarami Pratastam Nayanaramaniyam Sukhakaram Akhandanandam Shri Guru Varamahindram Padanadhavidhayasya Sukhalam Jamasevi Dhanyam Bhavati Krita Smarami Pratastam Bhuvanamaham Akhandanandam Shri Guru Varamahindram Pratayantimusham Pravachanapalayamchakvatuta Sulekhe lalityam Lasati kilayasya kshiti kare Smarami pratastam Bhavajaladhi kaitaksharam Akhandanandam Guru Varamahindram Paramam Yadantaschaturyam Vilasati Samaduryam Akhilam Bhumariyam Nityam Varayati Mahali Vajayitam Smarami Pratastam Sarujitaruyam
परम पूज्य महाराज की अहित की कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य है कि महाराज श्री अपने ही प्रातः स्मरण में, जो कि उनके परम शिष्य श्री ओंकार दत्त शास्त्री महाराज श्री ने उनको उपाधि दी है, जब लीला स्मरण के
करीब करीब 3 वर्ष पहले ये लेख लिखवाया था उनकी जीवनी का, संक्षिप्त जीवनी का। तो उपाधि दी है शांतिनिष्ठ श्री ओंकार दत्त शास्त्री। तो ये जो महर्षि के शिष्य ने रचना की, जिसका अभी हम लोगों ने पाठ किया, ये परम पूज्य महर्षि की परंपरा में इस प्रातः स्मरण को भक्त लोग, शिष्य लोग गुरु स्मरण के रूप में करते हैं। और इसके भाव में कल भूमिका रूप से हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि सद्गुरु का स्वरूप जानने में स्तुति की क्या भूमिका है। तो हमने देखा महर्षि के लेख में, भागवत दर्शन की भूमिका में जो लेख महर्षि का छपा है और आनंद रस रत्नाकर में जिसको लिया है, तो उस लेख में महर्षि ने इस बात को रखा कि भगवत स्तुति एक उच्च साधना है 21 मार्च को। तो 21 मार्च वाले लेख में ये भाव महर्षि ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कोई स्तुति हम कर रहे हैं, उस स्तुति में ऐसे तो प्रायः जब स्तुति होती है सांसारिक, उसमें अतिशयोक्ति होती है, बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ता ही है प्रायः, पर हमेशा ध्यान रखें कि भगवान की अथवा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जो स्तुति है, उसमें जब कहा जाता है तो हमेशा हमारे जो शब्द हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं, यानी हम वर्णन कर ही नहीं सकते और फिर भी प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ अतिशयोक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो जो अनंतता है उसमें, उनके स्वरूप में, उस अनंतता को तो कोई व्यक्ति कैसे कह पाएगा। इसलिए पहली बात कल हमने देखी कि अतिशयोक्ति नहीं होती। दूसरी बात, जैसे बालक के कुछ भाव को देखकर पिता अथवा माता प्रसन्न होते हैं और बालक को भी संतोष होता है, तो वैसे ही जब हम स्तुति करते हैं तो वो चाहे हमारी स्वयं की रचित हो, वो अपनी भाषा में हो सकती है, विद्वान हो तो संस्कृत में भी हो सकती है, अथवा फिर किसी की रचना की हुई का हम पाठ कर रहे हैं, तो वो एक भाव ऐसा वहाँ है कि उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ कह दिया गया, संभव नहीं है। पर जैसे बालक चूँकि पिता माता समझ रहे हैं कि भाई इसकी तो बाल बुद्धि है, पर फिर भी देखो कितनी बातें सोचता है कितना, तो उसी हिसाब से वो जैसे आनंद आता था और बुलवाता था पहले खुद बोलता था, नृत्य गोपाला आनंद कंद सदगुरु स्वामी अखंडानंद, फिर ऐसे बोल के फिर बोलता हमें तुम्हें बोलो तो और बिल्कुल, यानी हम लोगों को प्रसन्नता क्यों होती थी कि देखो बिल्कुल बालक है, पर उसको लगता है कि मैंने तो बोल लिया, आप लोग भी बोलो तो ऐसे ही जब हम स्तुति करते हैं तो ईश्वर की, सदगुरु भगवान की, सदगुरुदेव की वो प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है कि देखो कोई सांसारिक चर्चा न करके कम से कम इस मार्ग में ये लोग लगे हैं और यही, इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है। जब भी कोई भी जीव जब इस मार्ग में आता है तो स्वयं भगवान तो जो है उन्हीं का ही कहना चाहिए, कृपा उन्हीं के ही करुणा से आ सकता है इस मार्ग पे, पर जो सद्गुरुदेव हैं भगवान के रूप में, जो सद्गुरुदेव का अवतार है, तो उनको तो इतना अच्छा लगता है। ये भाव कल आया कि प्रसन्नता और संतोष, उधर भी प्रसन्नता और हमको भी संतोष कि हमने कुछ किया, समय का सदुपयोग किया। तीसरी बात ये बताई कि अब वो जो है स्तुति का अर्थ इतना ही नहीं कि भाई प्रातः स्मरण कर लिया और बाकी, ऐसा नहीं। स्तुति का अर्थ यह है कि जो हमने नियम किया प्रातः को, उसमें जो जो बातें की, समझो अपना कुछ पाठ है, गीता जी का पाठ है, भागवत जी का पाठ है, मानस का पाठ है, जिसका जैसा नियम है, महर्षि का सुनना है, आनंद रस रत्नाकर का एक पृष्ठ पढ़ना है, जिसके जो नियम है, तो भाव ये है कि अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो ध्यान देने लायक है। तीसरे पॉइंट में महर्षि ने ये बताया कि अब धीरे धीरे जब हमारा प्रेम बढ़ेगा तो वो प्रेम की गाढ़ता कहते हैं। गाढ़ता मतलब जैसे कोई चीज़ गाढ़ी होती है, तो गाढ़ी कैसे होती है कि उसको बहुत पकाना पड़ता है, तो पकाते तो दूध का वो एकदम रबड़ी हो जाती है। तो ये गाढ़ापन क्या है कि इसकी ओर हमारा निरंतर ध्यान,
तो निरंतर ध्यान जिसका जितना बने वो उसमें ज्यादा खींचतान की जरूरत नहीं है, पर एक सहज प्रेम, सहज आनंद और शुरू शुरू में प्रयास करके, यानी बिल्कुल हम छोड़ देंगे तो हमेशा फिर उधर ही लगे रहेंगे। तो इसलिए महर्षि ने जो सर्वप्रथम लेख जो जब मैंने शुरू किया था बड़ौदा भेजना आनंद तरंग के, शायद आनंद तरंग भी उस समय नाम था कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर फिर बाद में वो आनंद तरंग के रूप में, तो ये साधन की अनिवार्यता लेख जो भक्ति सर्वस में था सुरेंद्र भाई, एक पॉइंट इतना सुंदर, अब तो वो आ गया है जुलाई में महर्षि का वो लेख एक पृष्ठ का, तो वहाँ महर्षि कहते हैं कि अंतःकरण बीच में है और प्रपंच बाहर है और परमात्मा अंदर है। तो अब हमारा क्या है कि जब हम बाह्य वृत्ति रखेंगे तो वो हमारा हृदय जो है वो प्रपंच का संसार, और जब हम अंदर की ओर वृत्ति करेंगे तो भगवदाकार। तो ये जो है देखना, ये है गाढ़ता कैसे होगी, तो गाढ़ता तो इस समय मानो कि संसार की हुई हुई पड़ी है, पर अब उस गाढ़ता को तो कम करना है, मतलब उधर हमको थोड़ा उपेक्षा करना, उपेक्षा का मतलब कि उधर जितना रुचि, जितना हमारा ध्यान, जितना हमारा समय लग रहा है, अब हमको उसी अंतःकरण को अंतर्मुख करना है। उस दृष्टि से ये भगवत स्तुति, यानी भगवत स्तुति के बाद के जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम देखेंगे कि बार बार वो जो सत्संग की बातें हैं, महर्षि की शिक्षाएं हैं, उनको हम जीवन में लाने का प्रयत्न करें। तो ये गाढ़ता है, वो गाढ़ता गाढ़ता धीरे 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 होते होते आखिर में क्या होगा वो समझाए, आखिर में चल के, आखिर का मतलब वो ये बीच में ही स्टेप्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी कि अंतःकरण शुद्ध होने लगा। तो अंतःकरण पहले अशुद्ध था क्या? हाँ, अंतःकरण अशुद्ध, जब तक बाहर का चिंतन कर रहा था वही अशुद्धि। क्या? क्योंकि बाहर के चिंतन में ठाकुर जी को जोड़कर एक चिंतन है, वो अशुद्धि नहीं, पर वो कब सीखे? जब हमने सत्संग किया था तब बाहर का चिंतन भी, मतलब चलो भोजन बना रहा है, ठाकुर जी को भोग लगना है, कुछ कार्य कर रहे हैं, महर्षि के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हर एक क्रिया में, जैसे सपना उनको चिराग को मैं लिखता हूँ कि भाई विदेश जा रहे हैं, महर्षि को साथ में रखना, तो आजकल लिखते हैं कि महर्षि को साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये तो बाह्य वाला भी जो है चिंतन, वो अशुद्ध कब है? जब हम उनको भुलाकर और विषयों में लग जाते हैं। तो ये जीव की सामान्य बेचारी की एक व्यवस्था है, क्योंकि हमको उसका आनंद लेना है, पर जब ठाकुर जी आ जाएंगे, तो ठाकुर जी जब जीवन में आ गए तो हमारा अब लगता है कि नहीं, हमको आनंद नहीं लेना है। अब जितना भी कार्य आपके द्वारा महर्षि करवा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपका नाम कहीं नहीं है, तो वो क्यों? क्योंकि महर्षि का है ना, ये तो कोई अपने अभिमान के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हम अपनी साधना के रूप में हमारे अभिमान को, मतलब अभिमान न रहे उसके लिए कर रहे हैं। पर आज दृष्टिकोण क्या है, आज समाज में भी जो अध्यात्म में जुड़ते हैं उनका भी दृष्टिकोण, क्योंकि सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, तो पहला है कि भाई हमारा नाम, वहाँ वो भागवत का बड़ा बड़ा बैनर लगता है, तो अभी मेरा ध्यान गया तो वो जो कथाकार है वो तो है ही है, यजमान का भी चित्र बाकायदा, यानी चलो कथावाचक का तो होना चाहिए कि भाई लोगों को पता लगे कि भाई कौन कथावाचक है, पर मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरी दृष्टि गई तो वहां से यजमान का चित्र उसके कथावाचक के साथ में। ये जो है, इस अभिमान को बढ़ाने के लिए कथाएं और ये जो अध्यात्म है वो नहीं है, पर चलो कोई भी बात नहीं, कम से कम हाँ कुछ भी नहीं करने की बजाय तो इतना भी अच्छा है कि चलो कथा करवा रहा है, अपने पैसे का सदुपयोग कर रहा है, कुछ लोगों को तो लाभ होगा ही होगा। तो बिल्कुल उसकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर कहने का मतलब, गाढ़ता का मतलब है कि धीरे 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 ये बातें भी समझ में आने लगे कि वो भी आनंद जो है, वो आनंद जो है वो ठाकुर जी के ही प्रति समर्पित करना, क्योंकि ये सुरेंद्र भाई सूक्ष्म पॉइंट है, इस आनंद के भोक्ता यदि हम बन जाएंगे तो फिर ये अध्यात्म में थोड़ा विघ्न आएगा। उस आनंद के भोक्ता को जब मैं, वो मैं को ही तो हटाना है, मैं को ही समर्पित करना है, वही शरणागति। तो भगवत स्तुति के लेख में महर्षि ने ये पॉइंट समझाया कि अंतःकरण की शुद्धि, तो अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ यही है कि वो जो संसार के प्रति, संसार मतलब ये संसार बाहर का तो है ही है, सबसे बड़ा संसार ये जो है मैं, तो मैं जो है वो फिर वापस आके बैठ गया,
इसको हमारे स्वामी रामानंद जी ने एक योग वशिष्ठ में एक कथा है इसके आधार पे बहुत सुंदर समझा है। यही बात जो हम लोग करना चाह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ क्या है। क्या होता है कि ममता तो फिर भी कट सकती है पर अहमता का कटना कठिन है, उसको योग वशिष्ठ की कथा से समझा है। वो क्या है कथा कि ये जो चुड़ाला और सिखी ध्वज, ये पति पत्नी, सिखी ध्वज तो राजा था पर उसको ऐसी पत्नी मिली जो योगिनी थी और इसको पता नहीं था राजा को, और वो योगिनी क्या वो सिद्ध थी, राजा था वो मिल गई, तो मिल गई तो इसका कल्याण होना था राजा का, तो गुरु हो गई ना। पर ये तो अभी उसको मालूम नहीं है कि ये गुरु है, तो अब उसको अपना गुरु का काम बड़े ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि उसको तो लगे पत्नी है। तो ये बार 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 उसके मन में आता था वैराग्य कि भाई मैं तो भजन करूँगा, और कुछ ऐसे ही पत्नी का प्रभाव पड़ा, ऐसे जो भी सिद्ध होगा उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, अब वो तो पत्नी के रूप में आ गई है तो प्रभाव पड़ना ही था, मेरे को तो तपस्या करनी है और मैं तो अभी राजकाज तुम और मंत्री लोग संभालो, चला गया। इसने भी हाँ कर दी क्योंकि इसको भी करवाना ही था, इसका कल्याण उसी के लिए आई थी उसके जीवन में। तो संक्षेप में वो जाके जब करने लगा साधना, तो इसने इसको पता था कि साधना में ऐसे तो सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक गुरु रूप से एक श्लोक हम लोग करेंगे इन्हीं का, ओंकार दत्त शास्त्री जी का वो छोटी वाली पुस्तक में, तो वहाँ बताया है कि मैंने ऐसे ऐसे साधनाएं की और मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, बाद में समझ में आया कि ये गलती हो रही है, गुरु की तक के सर तो चुड़ाला पहुँच गए वेश बना के, उसको सिद्धियाँ प्राप्त थी ब्राह्मण वेश बना के, वो जहाँ था कर रहा था अपनी तपस्या, तो अपना जो भी है नियम नियम करके जब कुटिया में गया तो देखा कि कोई ब्राह्मण आए, उसने प्रणाम किया, संस्कार तो थी, और आइए महाराज राज तो बड़ी कृपा की और कैसे क्या, बोले कोई बात नहीं तुम क्या कर रहे हो, बस यही जानना था, बोले कर तो रहा हूँ पर महाराज कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो फिर इसने सिखी ध्वज को, राजा अपने पति को चुड़ाला ने ब्राह्मण रूप में थे कथा सुनाई, तो वो कथा रामानंद जी सुना रहे हैं हम लोग, वो उसमें बहुत शिक्षा की बात, बोले कि देखो राजा, एक राजा था और उसके पास हाथी तो होते ही हैं पर एक हाथी ऐसा था जिसके मन में बार बार ये आता था कि मैं यहाँ मतलब बंधन में हूँ और मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो ये जंजीर में मेरे को बांध देते हैं पांव वो ठीक नहीं, तो मन में बार बार आता था कि मैं तोड़ के जंगल में चला। अब हाथी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, खुर लगाएगा तो जंजीर का कुछ भी टूट जाएगी। तो वो सुनाया कि क्या हुआ कि इसने अपना तोड़ दिया, महावत ऊपर बैठा था गिर पड़ा, जब महावत गिर गया मूर्छित हो गया, ये तो अपना स्वतंत्र हो गया, अब वो चाहता तो महावत के ऊपर भी एक पांव रख देता तो उसका भी काम तमाम हो जाता, तो उसको लगा कि इसको मारने की क्या जरूरत है, चला गया वो जंगल में। अब ये महावत जो है एक महीने में अपना उपचार के द्वारा ठीक हो गया, अब उसने पता लगाना शुरू किया कि वो हाथी गया था और उसको पता लग गया कि वो उधर जंगल में है और इधर पानी पीने प्रतिदिन आता है, उसने अपना हिसाब से वही उसके रास्ते में खाई खोद के वो घास फूस डाल के उसको पकड़ने का, जैसे पकड़ते हैं हाथी को, तो गिर गया बेचारा हाथी उसी खाई में, उसको पता नहीं था, वापस ले आया पकड़े हाथी को जो स्वतंत्र हो गया था उसको वापस ले आया, वापस बांध दिया। ये कथा सुना के फिर उसने अध्यात्म अर्थ समझाया राजा सिखी ध्वज, बोले कि तुम वो हाथी हो, अपने पति को कहा कि तुम वो हाथी हो, क्योंकि अपनी जितनी ममता थी राजपाट की स्त्री की ये वो पुत्रों की सब तोड़ के आ गए है ना, पर ऐसा हुआ कि वो जो महावत जब गिर गया तो हाथी ने महावत को नहीं मारा, बोले ये क्या करेगा, ये तो इसको मारने की क्या जरूरत है, तो उसने क्या किया वापस मार के ले आया कि नहीं, तो तुमने अहम को नहीं मारा, मतलब अपना जो है ममत्व तो छुड़ा लिया पर अहम तुम्हारा बना हुआ है, अहम कब मिटेगा गुरु के कारण, गुरु जब तक जीवन में नहीं आएंगे तब तक अहम नहीं मिटेगा, वही मैं बता रहा हूँ ना कथावाचक, अब यजमान लोग जब अपना चित्र चलाने लगे तो अहम कहाँ मिट रहा है, अहम तो नहीं मिट रहा है। तो बोले कि वो जो अहम है वो जब साधक उसके ऊपर कोशिश नहीं करेगा मिटाने की तो फिर क्या होगा कि वापस वही संसार यानी वापस वही बंधन। तो जैसे कि एक व्यक्ति साधक घर छोड़ के जैसे सन्यासी हो गए, पर लोहे का महल और सोने का महल
यानी समझो कि पहले तो सामान्य चीजें थी उसके पास, अब जब छोड़ के आ गया, ममता तो काट दी पर अहम नहीं काटा, अहम नहीं काटने से फिर सोने का महल हो गया। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़ी कारें, बड़ी बड़े भगत, है ना। तो ये जो है ये क्या है? अगर वो समझो कि ऐसे कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं तो उनकी तो लीला है, पर जो जो 99% समाज में देखे जा रहे हैं वो उस स्थिति को प्राप्त कहाँ है, तो फिर ये कारण क्या बन रहा है? वो मैं नहीं, मैं अगर हो जाता साफ तो ये बात समझ में आ जाती कि इसके बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि अब खुद ही दुखी भी हो रहे हैं। ये बन भी गया है सोने का महल और दुखी भी हो रहे हैं कि भाई हमको ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, भाई फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर आपकी लीला है, आप मौज में हैं, तो आप दुखी मत हो। और अगर आपको ये जो है थोड़ा सा लगता है कि बंधन है, तो फिर उस साधना को करो जिसमें ये बंधन पहले समाप्त हो। ये महर्षि का कि अंतःकरण की जो शुद्धि है वहाँ ये ध्यान देना, और ये यानी यहाँ स्तुति के द्वारा महर्षि ये समझा रहे हैं कि स्वयं भगवान इसको करेंगे, स्वयं गुरुदेव सद्गुरुदेव करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे मतलब कर रहे हैं, खाली हमको सहयोग देना। हम पुराने पुराने संस्कारों से हम जब अपने अहम को लाएंगे वहाँ भी हिंट देंगे कि चुप बैठो, पर वो हिंट हम नहीं लेंगे और अपनी वासना से अगर, तो ये एक ऐसा पॉइंट है वहाँ गुरुदेव जो है ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि गुरुदेव विरोध क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ विरोध कर देते तो हमारा जल्दी काम बन जाता। गुरुदेव इसलिए विरोध नहीं करते सुरेंद्र भाई, ये भी बात इसलिए समझने की है कि गुरुदेव ने जैसे हिंट दिया, हिंट अभी तो गुरुदेव प्रेरणा रूप से देते हैं, अथवा कैसे देंगे, किसी व्यक्ति के माध्यम से, कोई भी जिसको हमारी श्रद्धा है, जिसमें हमारी श्रद्धा है वो आके हमको बताएगा कि भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो हमने समझो कि अपने को बात जची नहीं अपने संस्कारों के कारण, तो हमने उपेक्षा कर दी, तो गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, पर देखा कि इसने उपेक्षा कर दी। आप कह सकते हैं गुरुदेव ने काम किया, वो तो कोई व्यक्ति आके किया, नहीं, गुरुदेव के पास यही एक तरीका है, या तो स्वप्न में आदेश देवे। स्वप्न में आदेश में क्या है, व्यक्ति सोचता है अरे ये तो स्वप्न की बात है, इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, तो स्वप्न वाला आदेश भी नहीं चलता। अच्छा, दूसरे के द्वारा कह दिया, आपने कथा सुन रखी होगी महाराज शिवाल कि वो बोले भगवान ने कहा हम आप तुमको दर्शन देंगे सेठ, सेठ ने बस वो तो भक्त था तो इतना खुश हो गया, पता लग गया कि भगवान दर्शन देंगे, सपने में आके आज हम तुमको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे भगवान ने कहा, तो सबको कह दिया आज प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, सफाई वफाई दुनिया भर का ये वो। सुबह पहले वो एकदम कांपता हुआ आया भिखारी, तो अरे भाई भगा उसको, कोई है कि नहीं, ये क्या आ गया, आज भगवान आने वाले, भगाया उसको। फिर कोई आया कि यार हमको हमारी माँ बीमार है कुछ दवा के लिए सेठ पैसा, अरे तुम लोग समझते नहीं हो आज क्या पता नहीं भगवान आने वाले और एक के बाद एक सब आते जा रहे, अरे कोई है कि नहीं, नहीं हटाओ इसको दे दो चाराना, चाराने से क्या होगा, भगाया उसको। फिर आया कोई और तीसरा, उसने भी कुछ कहा उसको भी भगाया। हम पूरे दिन नहीं आए और ये सब अपना नैवेद्य, और क्योंकि प्रत्यक्ष आएंगे तो आज तो भगवान को बैठा के भोग लगाएंगे और खिलाएंगे और आज तो आनंद ही आनंद है, पूरा जीवन आज सफल हो गया, तो नहीं आए, रात तक नहीं आए, सो गया बेचारा दुखी होके क्या करें। और वही मन में था कि आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए, कहा कि मैं आया था महाराज, कहाँ आए थे हम तो इतना, देखो बोले सुबह में उसके रूप में आया, तुमने तो भगा दिया हमको, फिर भी मैं आया, फिर भी भगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुरेंद्र भाई हिंट देंगे, पर वो हिंट क्या है कि हम अपने संस्कारों से अगर नहीं लेते हैं तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं, मतलब सद्गुरुदेव हमको ये पक्का बता देते हैं कि ये तुम लो ही, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो इसका कारण बताते हैं महर्षि खुद अपने शब्दों में। महर्षि कहते हैं कि अभी, ये महर्षि के शब्द, अभी तुम हमारी बात नहीं मानोगे, ये शब्द है, हमको पता है कि अभी तुम हमारी बात नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, अनुभव तुमको पक्का बना देगा। अगला वाक्य है अनुभव तुमको पक्का बना देगा, हमारे मन में आया इसलिए तुमको बता दी, भाई आ गई बात मन में इसलिए तुमको बता दी, पर अब देख रहे हैं कि तुम नहीं मान रहे हो तो अनुभव तुमको पक्का बना देगा। तो यहाँ सद्गुरुदेव क्या करते हैं कि थोड़ी सी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्ग रोप, लॉन्ग रोप यानी बड़ी लंबी रस्सी, तो लंबी रस्सी देने का मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब दे दिया कि भाई कर लो तुम जैसे तुम्हारे मन में आवे वैसे, उसी को अंग्रेजी में एक कहावत है लॉन्ग रोप,
तो ये हमेशा भगवान जो है लंबी रस्सी दे देते हैं। तो लंबी रस्सी मतलब जितना घूमना है उतना, जितना है उतना उधर चहल पहल करनी कर लो। तो ये बात समझने के बाद अब हम चलेंगे अंतःकरण की शुद्धि के बाद, कल जो हमने कवर किया कि तत्व का ज्ञान। अब ये तत्व का ज्ञान कैसे है, तो जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होगी ऑटोमेटिक वो जो है तत्व का ज्ञान, जो अभी इस समय वेदांत का बहुत से लोग कहते हैं कि आपके आनंद रत्नाकर में वेदांत का जो प्रकरण आता है वो सिर के ऊपर से निकल जाता है, तो ठीक है उनका कहना, क्योंकि वो बातें अभी उसका संस्कार नहीं है। पर यही व्यक्ति जब दो बार तीन बार चार बार और फिर प्रयास करते रहेगा तो देखेगा कि भाई अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होगा वो बातें पकड़ में आ रही हैं, पहले बिल्कुल जीरो था इसको पकड़ में आ रहा है। तो ये हो गया तत्व ज्ञान। अच्छा एक और बात बताई कि ये जो हमारी निष्ठा है साधन में और भगवान के स्वरूप में, इस समय वो हमारी निष्ठा कमजोर है। स्तुति का भी जो हम गुरुदेव की स्तुति में भी इतना प्रभाव है, आखिरी नौवें श्लोक में आएगा कि उससे हमारे में ये निष्ठा आई। किसमें? हमारी साधना में। अभी साधना में निष्ठा नहीं आ पा रही है, बाद में, तो ये निष्ठा का स्वरूप नहीं है। कल बताया ना बारिश है तो भी हम जाते हैं, ये निष्ठा है क्योंकि फ्लाइट पकड़ के पहुंचना जरूरी है, पर ये निष्ठा नहीं है अभी सत्संग वाली। अच्छा दूसरा क्या बताया कि अपने भगवान के स्वरूप में निष्ठा, साधना में निष्ठा एक बार, भगवान के स्वरूप में निष्ठा का अर्थ है कि अब सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान और जिनका चिंतन, अथवा ठाकुर जी का ध्यान और जो चिंतन, ठाकुर जी का ध्यान करो सद्गुरुदेव, यानी बहुत रेयर केस में ऐसा कह सकते हैं कि करोड़ों में एक कोई केस होगा जिसमें सद्गुरुदेव ये भी कह सकते हैं कि मेरा ध्यान करो, पर वो तब जब देखेंगे कि वो हमको ईश्वर से कम मानता ही नहीं, तब जाके, नहीं तो हमेशा इष्ट मंत्र देते हैं सद्गुरुदेव, ये थोड़ी देर बोलते कि भाई चलो मेरा तुम माला किया करो, कभी नहीं। एक भी ऐसा केस नहीं देखेंगे आप जिसमें कि सद्गुरुदेव ने ये कहा हो कि भाई तुम मेरे नाम की माला। बहुत से संप्रदाय ऐसे बन गए हैं जिसमें, हाँ वो ठीक है उनकी परंपरा में जैसे वो मानते हैं भाई सद्गुरुदेव ही सब कुछ है। रामकृष्ण मिशन में आप देखेंगे कि कोई भी कहीं भी कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें रामकृष्ण अपने गुरु की मतलब जो है मूर्ति वही सब कुछ, कोई देवता या नृत्य गोपाल इधर, भाव भावेश्वर महादेव इधर, राधा गोपाल इधर, अपने गिरधर गोपाल। तो ठीक है हमने अपने भाव से, महन जी ने अपने भाव से सद्गुरुदेव का चित्र वहाँ रखा है तीनों मंदिरों में, वो अपना भाव हमारा श्री नहीं कहा कि हमारा चित्र। हमें भी ऐसी शिक्षा देखी गई है कि कभी भी जो मंदिर बने वो ठाकुर जी का ही बने, और वो ऐसा संस्कार देखे गए कि जिस व्यक्ति ने डालमिया जी ने मूर्ति बनाई, महाराज जी ने दो मूर्तियां बनवाई एक आश्रम के लिए कि भाई यहाँ जन्म स्थान कृष्ण जन्म स्थान जहाँ महाराज जी का लगा है, तो दो मूर्तियां बनवाई, एक नहीं है दो है, दूसरी फिर उन्होंने रख दी क्योंकि महन जी के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने इसके लिए मना कर दिया था, भगवान का ही मंदिर रहे, महाराज जी रहते थे उसमें, हम उनका जो है चित्रपट विग्रह, तो चित्रपट आज भी है। तो सद्गुरुदेव जो है वो इसका निषेध इसलिए करते हैं कि दो तीन पीढ़ी जो सदगुरु को जानती रही तब तक तो ये उनका मंदिर का ठीक ठीक होगा सेवा पूजा, तो बाद में जो जिन लोगों ने देखा ही नहीं वो मंदिर जो है वो उपेक्षित हो जाएगा, ये उनकी मतलब अपने शास्त्रों की जो बात थी उसी को सदगुरुदेव ने रखा, इसीलिए महन जी ने उस बात को अपने हृदय में धारण करके उस हिसाब से इस बात को किया। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं उड़िया बाबा महाराज का, महाराज जी ने अपने हाथों से जब उनके शिष्यों ने ये कहा कि भाई बाबा का बनना ही चाहिए, तो यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही है रामघाट में भी, स्वयं महाराज जी ने उसके प्राण प्रतिष्ठा के समय स्वयं थे, उसके वो भूमि पूजन में थे, हम थे साथ में महाराज जी के, तो वहाँ देख रहे हैं कि भाई भक्तों का जब ऐसा भाव है तो उसका विरोध नहीं है, पर आगे के लिए है कि भाई ये प्राय देखा गया है कि ऐसे मंदिरों की सेवा पूजा बाद में नहीं हो पाती, जबकि ठाकुर जी का तो हजारों वर्षों से चल रहा है, तो अभी आज भी हनुमान जी का कहीं भी मंदिर होने दो, जैसे आप लोग गुजरात में हैं तो किसी के भी मन में आएगा कि नहीं नहीं ये हनुमान जी ऐसे हैं थोड़ा मंदिर यहाँ बन जाए, रखने वाले ने तो सिर्फ मूर्ति रख दी, पर दूसरे के मन में आएगा कि नहीं मूर्ति तो ठीक नहीं है बारिश हो रही है, तो अपने आप हो जाता है क्योंकि ये तो परंपरा चल रही है। तो संक्षेप में ये बात बतानी थी, तो
भगवत स्वरूप की निष्ठा जो है वो निष्ठा क्या है कि साधना की निष्ठा तो धीरे 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 आएगी ही, हमारे हृदय में महाराष्ट्री विराजमान अंतर्यामी के रूप में सद्गुरुदेव जो हैं, परब्रह्म परमात्मा, उनका हमने दर्शन किया, उन्होंने हमको मंत्र दीक्षा दी सद्गुरु के रूप में। किसने? परब्रह्म परमात्मा। आ जाएगा अभी इसी श्लोक में, इसी श्लोक नहीं आठों श्लोक में ये बात आएगी, गुरुवरम अहम ब्रह्म परम परम ब्रह्म। तो ये बात आ गई कि स्वरूप निष्ठा, भगवत स्वरूप में निष्ठा कैसे आती है, जब व्यक्ति को अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं कि हर क्षण महाराष्ट्री हमारी रक्षा कर रहा है। अब देखिए स्वरूप निष्ठा, भगवत स्वरूप निष्ठा ऑटोमेटिक हो रही है, बनानी नहीं पड़ रही, हमको बिल्कुल स्मृति में आ जाता है कि अरे क्यों डर रहा है, खुशी है अपने साथ। देखा आपने भागवत सप्ताह में, कोई ऐसा वो नहीं था इतनी उदारता से करेंगे, कुछ अपने आप महाराज ने ऐसा किया, अपने आप उदारता से हुआ। तो हर क्षण वो अनुभव करवा रहे हैं, करो 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 मैं हूँ बाका। हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि वो नाचेगी, वो तो हार्ट उसके कथा के पहले ही हार्ट का ये हो गया था, अपने आप उसका पूरा एनजीओ जो भी करना था करवा के एकदम फिट करवा के कथा एकदम आनंद के साथ। और ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे क्षण क्षण में हम लोगों को अनुभव होता है, उससे भगवत स्वरूप में निष्ठा। और आखिरी बात ये बताई कि अंत में जाके भगवत प्राप्ति, तो वो भगवत प्राप्ति को ऐसे भी मान लें कि ज्ञान के रूप में, अथवा ऐसे भी मान लें जैसे कल मैं कानोड़िया जी की माता जी का दृष्टांत दिया, कह रहे महाराज श्री आगे भगवत प्राप्ति इसी को तो कहते हैं, आगे ठाकुर जी आगे। तो जिसका व्यक्ति दिन रात चिंतन करेगा अंत में वो ये स्तुति की महिमा कल महाराज ने बताई। और फिर एक विशेष बात कुंती वाले प्रश्न वाले में ये बात आई कि जब भी हम लोग स्तुति करें उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो 5000 पहले कुंती बुआ ने भगवान की, नहीं ये महाराज ने वहाँ कहा है उसको सत्संगी बहन को कि तुम यही समझो कि मैं ही ये बोल रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, कुंती बुआ नहीं मैं ही कर रही हूँ, मेरे ही शब्द है, बोले शब्द अनादि, उसमें किसी का ममत्व तो नहीं है, यानी ओंकार जो शास्त्री जी ने शब्द जो शब्द लिख दिए हमारे कल्याण के लिए वो है, मतलब हमारे सामने उपलब्ध है, अब हम जो है उसी भाव को लेकर कि मैं ही बोल रहा हूँ मेरे ही शब्द हैं, उस भाव से। तो इस प्रकार महाराज ने कल ये बातें बताई और फिर हम लोगों ने प्रवेश किया। वो जो थोड़ा सा मैंने बताया था स्वराज का, और ये अपना स्वराज जब तक देह है महापुरुष की तब तक वो अपने स्वराज्य पद में है, और जब देह मतलब विदेह हो जाता है तो उस समय स्वराट के रूप में रहता है। तो इसकी चर्चा आज शाम को थोड़ी सी कर देंगे। और अब हमने प्रवेश किया प्रथम श्लोक में, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ओम जनानां यद्गानं भ्रमति निरहानं वितनुते भोज ध्यान विशति परमानंद पदवी स्मरामि प्रातस्तम वर्णत आनन्दं श्री यद गानम जनानां भ्रम तिमिरहानं वितनुता, गुणगान सर्वदा के लिए भक्तों के भ्रम तम का नाशक है। पहला वाक्य यद पदाम्भोज ध्यानम परमानंद पदवीं दिशति, दूसरा वाक्य है जिनके चरण कमल का ध्यान परमानंद पदवी का दान करता है, और तीसरा वाक्य है प्रणत जनता जुष्ट चरणम विनयी सद्गुण संपन्न भक्तगण जिनके चरणों की सेवा करते हैं। ये तीन बातें बताकर
चौथे वाक्य में अब ये कह रहे हैं कि तम परमं ब्रह्म श्री गुरुवरम अखंडानंदम अहम प्रातः स्मरामि। उन परब्रह्म स्वरूप श्री सदगुरु अखंडानंद जी का मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। ये चार वाक्य इसमें हैं। तो अब आप देखें कि प्रथम तीन वाक्यों में, यानी ये जो प्रथम तीन, जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा है और मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले वाक्य से तो वो समझ जाएगा कि भाई स्वामी जी जो हैं वो अपने मतलब गुणगान कर रहे हैं। किनका गुणगान कर रहे हैं वो प्रथम तीन पंक्ति में अभी नहीं आया, वो उसको इतना ही लगेगा कि किसी का गुणगान कर रहे हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं मतलब जनानाम यदगान, जिनका गुणगान सर्वदा के लिए भक्तों के भ्रम तम का नाशक है। मतलब स्वामी जी ये कह रहे हैं कि मैं प्रातः स्मरामी वाला जो वाक्य है अभी वो नहीं बोला है, है? वो लास्ट है। तो अहम प्रातः स्मरामी भी समझो बोल दिया तीसरे वाक्य में, पर किसका किसका स्मरण कर रहा हूँ वो अभी नहीं कहा। तो ये सोचता है तीन वाक्य सुनकर, मतलब अभी जो तीन वाक्य मैंने बताए, चौथा वाक्य अभी छोड़ दीजिए, तो तीन वाक्य सुनकर वो सोचता है कि भाई ठीक है, कोई स्वामी जी के जो भी ठाकुर जी हैं उनका वो उनकी बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्योंकि उन्हीं के गुणगान से ही भक्तों के भ्रमतम का नाश होता है और ठाकुर जी के ही चरण कमल का ध्यान जो है वो परमानंद पदवी का दान करता है, और विनयी भक्त सद्गुण संपन्न जो भक्तगण हैं तो वो ठाकुर जी के ही चरणों की सेवा करते हैं। तो वो जो है सामने वाला व्यक्ति समझता है कि जो है स्वामी जी इसी की कोई चर्चा कर रहे हैं, जो भी इनके कृष्ण हैं, राम हैं, या शिव हैं, या देवी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हो। पर फिर भी चूंकि स्पष्ट नहीं हुआ तीन वाक्य सुन के, तो पूछ बैठता है कि भाई आप ये भी तो बताओ कि आपके इष्ट हैं कौन। अब जब उसने सुना कि स्वामी जी तो गुरु महाराज की ये कर रहे हैं, है ना, क्या है कि वो जो मैं तम प्रातः स्मरामी, प्रातः स्मरामी अहम नीचे है पर प्रातः स्मरामी का मतलब अहम स्मरामी, तो उनको जो मैं प्रातः स्मरण कर रहा हूँ, जब उसने पूछा कि भाई आप किसका प्रातः स्मरण करते हैं, तब उसको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये तो सद्गुरुदेव का ये तीनों वाक्यों में बात कर रहा है। तो स्वामी जी सद्गुरुदेव की ये बात कर रहे हैं, ये बात जरा कम उसको जची। तब फिर ये प्रश्न उठा कि ये जो हैं आपके गुरु महाराज, तो आपको तो इष्टदेव का करना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि कोई करोड़ों में एक जो है तो उसको सद्गुरु भी कहते हैं, हालांकि ये जितने करोड़ हैं शिष्य उनके लिए ये विधा है प्राप्त, जो अपना गुरु का स्मरण करे, पर हमेशा इष्टदेव के रूप में हमेशा गुरु कहते हैं कि भाई हमारा स्मरण करके फिर ये जो है ना, हमेशा मंत्र देते हैं तब भी यही बताते हैं। तो अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि भाई वो तो इष्टदेव का ही कर रहे होंगे, पर इस स्थिति की ये चमत्कार है कि वो कह रहा है कि वो जो प्रातः स्मरण जो हमारा है वो हमारे गुरु महाराज का ही है,